नमस्कार दोस्तों, तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बोधगया के बुद्धिस्ट मेडिटेशन बिहारा, जो यहां पर नाम दिया गया है उरुवेला फॉरेस्ट मेडिटेशन बिहारा। तो दोस्तों ये इसका भवन है, इसके अंदर हम लोग चलेंगे क्योंकि इसके अंदर लोग जो बुद्धिस्ट लोग जो आते हैं मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अपने मन की शांति रखते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलेंगे और इसके बाद मैं यहाँ का नज़ारा आपको पूरा फूल दिखाऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए ये बहुत सारा मंदिर है, यानी बुद्ध मंदिर जो हम लोग बोलते हैं। और इसके अगल बगल में ये पूरा यहाँ का आंगन का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूर्ति लगाया गया है जो यहाँ पर महा इच्छापूर्ण बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये जगह का नाम है डोंगेश्वरी मेडिटेशन सेंटर, यानी यहाँ पर लोग जो बुद्धिस्ट धर्म के लोग जो हैं और बहुत सारे धर्म के कोई भी आके यहाँ पर अपने आप को मेडिटेशन मैंने तपस्या या जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, जो अपने दिमाग की संतुलन को शांत करते हैं ना, तो चलिए या सरल भाषा में आप बोल सकते हैं कि साधना, लोग यहाँ पर साधना करने आते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा मूर्ति लगाया गया है जो इन मूर्ति का नाम दिया गया महा इच्छापूर्ण बुद्ध। तो एक हमारे यहाँ पर भाई साहब मिले जो फिलहाल यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों हमारे भैया, मेरे दोस्तों को हाई कीजिए आप। तो देखिए दोस्तों, तो इनसे पूछिए, तो बताइए दोस्त, ये डोंगेश्वरी मंदिर का मेडिटेशन सेंटर है जी ना, और कुछ बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शक को? वो यहाँ से विदेश लोग के आते हैं, साधना करते हैं, उधर कुछ दिन के बाद त्रिपुरा के आए, वहाँ के लोग साधना किए, अभी आने वाले हैं वहाँ के लोग। तो अधिकतर यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग ही आके करते हैं, मैंने कोई भी धर्म के, कोई भी धर्म आके इनके यहाँ पर आके अपना मैंने साधना कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, और इस मंदिर जो बनाया गया है तरह तरह का, इसमें क्या पूजा पाठ वगैरह होता है? अभी तो लॉकडाउन से पहले पार्टी नहीं आ रहा है। अच्छा, पार्टी मतलब विदेश से जो टूरिस्ट लोग आते हैं। अच्छा, विदेश से जो टूरिस्ट लोग आते हैं ये लोग पार्टी कराते हैं। अच्छा चलिए, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर भैया, आप भी खुश। देखिए, और ये इच्छापूर्ण बुद्ध जी हैं, इनका बहुत बड़ा स्मृति बनाया गया है और चारों तरफ बड़ा बड़ा मंदिर लगाया गया है। और फिलहाल तो ये लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा है, और अभी जो टूरिस्ट लोग जो विदेश से आते हैं पूरे विश्व से, तो फिलहाल अभी आना उना बंद हो गया है, लेकिन कुछ ही दिन में ये खुल जाएगा फिर से और फिलहाल फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तो दोस्तों यही जगह है जहां पर हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर यदि आप भी अपना दिमाग को संतुलन नहीं खोना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आके अपने दिमाग की संतुलन बनाए रखें, यहां पर आके मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों बता दूं मैं कि आप विश्व के कोई भी बौद्ध मंदिर में अगर आप जाते हैं, आप जहां भी जाइएगा उनके देवतागण आपको ध्यान पूर्वक में ही मिलेंगे, क्योंकि साधना में ही बैठे मिलते हैं। क्योंकि कारण होता है कि ध्यान लगाने से आपकी जो दिमाग की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और बेहतर तरीके से आप सोच समझ पाते हैं, और उसके बाद आप तनाव डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से राहत भी पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान आपको अपने कार्यों के बारे में अधिक जागरूक और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना देता है, क्योंकि आप ध्यान जब करते हैं तो एक तरफ का ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं, और ब्रेन अगर यदि मजबूत होता है इंसानों का तो उनके सोचने और समझने की शक्ति बढ़ जाती है और बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करता है। तो इसीलिए जो बौद्ध धर्म में कहा गया है कि उनके जो देवतागण हैं हर चीज़ पर विजय पा सकता है, वो भी बिना साधना के कभी विजय नहीं पा सकता है, इसलिए लोग साधना करते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर का आंगन है, इस मेडिटेशन सेंटर या इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं आप। तो ये पूरा आंगन का नज़ारा है जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया तरह से बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप कम से कम दिन में एक बार मेडिटेशन जरूर करें, ताकि आपकी दिमाग की जो ब्रेन पावर है वो बढ़ जाए, जिससे आप सही सही सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और सही से कुछ भी कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।